खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। थाना पुलिस ने पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार एसपी आदर्श सिद्धू द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीना एवं पुलिस उपाधीक्षक पर्वत सिंह जितावत के निर्देशन में थानाधिकारी मांगीलाल डांगी द्वारा विशेष पुलिस टीम का गठन कर 10 साल से फरार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। सीआई मांगीलाल डांगी ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय छोटी सादरी के आर्म्स एक्ट उक्त दोनों प्रकरणों में 10 साल से फरार चल रहे थे। दो स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से वारंटियों को जेल भेज दिया गया। सीआई ने बताया कि फरार स्थायी वारंटी मांगीलाल पुत्र नाथूलाल मोगिया उम्र 35 साल निवासी कल्कीपुरा पुलिस थाना डुंगला जिला चित्तौड़गढ़ जो लंबे समय से फरार चल रहा था, जिनको गठित टीम के द्वारा सुहागपुरा से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय छोटी सादरी के आर्म्स एक्ट में 10 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी फतेहलाल पुत्र घीसालाल रावत उम्र 40 साल निवासी जाखमिया को पुलिस ने चित्तौड़गढ़ से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया।